एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक जोया के गांव धनोरा मुरादनगर जा पहुंचा। लगभग 2900 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूरी पर तो वहीं ब्लॉक से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में गांव की प्रधान रहमत जहां है। लगभग 2100 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान पति का कहना है कि गांव में सभी सुविधाएं लाभार्थियों तक मुहैया कराई जा रही हैं। विकास की बात करें तो ग्राम प्रधान पति द्वारा पेयजल व्यवस्था के लिए 18 हैंडपंप लगवाए गए हैं तो वहीं विद्युत व्यवस्था की बात करें तो गांव में 150 विद्युत पोल तथा 7 विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगवाए हैं। वहीं हम बात करें शिक्षा के स्तर की तो गांव के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 85 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो शिक्षा के बदतर इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। जब गांव में प्रधान पति द्वारा कराए गए कार्यों को देखा तो ग्राम प्रधान पति ने गांव में सीसी टाइल्स रोड का निर्माण, शौचालयों का निर्माण एवं सौर ऊर्जा लाइट भी लगवाई है। वहीं उन्होंने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से सरकार से मांग की है कि गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, पंचायत घर का जल निर्माण कराने के लिए धनराशि आवंटित की जाए तथा ग्राम पंचायत की 25 बीघा जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया जाए। मुरादनगर से मैं पति प्रधान रहमत जहां, मेरी समस्या आज तक लोग कोई भी हल नहीं हुई। पूरे गांव की मैं गारा की छुआ पड़ा, कोई रास्ता मेरा जो है नहीं बन पाया। काम को भरवाई आते हैं नापने के लिए, ना जई आता, कोई उसकी सुनवाई नहीं करता। शौचालय आए, शौचालय के पैसा लाभार्थी के खाते में कर दिया और प्रधान घर घर घूमता फिर रहा है, पैसा निकाल कर कोई देने को तैयार नहीं। फिर एक किस्त आ गई, दोबारा से किस्त भी नहीं आ पाई तो प्रधानों को तो एक चौकीदार बना दिया। और दूसरी बात यह है साहब, एक आंगनबाड़ी के कमरे में एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब ने कही कि ये क्या कर धरा भाई प्रधान जी। तो हमने एसडीएम साहब से कही कि साहब बताइए हम क्या करें इसमें, कि मैं जब अब दोबारा से आऊँगा तो मैं मुझे ये आंगनबाड़ी का कमरा टेंडर में बिल्कुल सही तरीके का काम हुआ हुआ मिले, इसमें सब पुताई लिखाई मुझे सब मिलनी चाहिए। मैंने इधर उधर से कर करा के जो है आंगनबाड़ी के कमरे में 26,500 रुपये अपनी जेब से लगा कर 7-8 महीने हो गए, अभी तक जो है उसका कोई भी सुनवाई ना हो पाई। और कई बार जो है मैंने जई साहब से भी कह दिया कि उसे नाप लाओ और नाप के जो है जो भी मेरा पैसा निकला 100-200 रुपये वो मुझे आप निकलवा में। और वोटर को गांव को तो काम चाहिए और सब में गली कूचों में जो है पानी भरा पड़ा है, उस तरीके का कोई काम हमारा चलवा नहीं रही। प्रधान लोग तो परेशान है साहब। दूसरी बात यह है कि नल हैं, नलों के लिए झूठा सच्चा बार बार जो है फार्म बनाया पर लिखवा कर के ये लिखो और वो लिखो, भर भर के देख रहे हैं देते हैं, आज तक लग लो कोई भी रिवोल नहीं हो पाया गांव के अंदर, कोई नल नहीं ठीक हो रहा। अपने पास से जो है प्रधान ठीक करा रहे हैं तो इस तरीके से क्या काम चल पाता।